फ्रेंड्स, अगर आप भी हो मेरी तरह परेशान चाय बना करके, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जिस तरह मैंने सोल्यूशन निकाला, उसी तरह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और आप भी मेरी तरह आज़ाद हो जाइए दिन रात चाय बना करके। तो मैंने लिया है दूध और ये है कप। आपको जितनी चाय बनानी है पूरे दिन, उसके हिसाब से आप दूध ले लीजिए। मैं तो सिर्फ आपको एक क्वांटिटी दिखा रही हूँ कि हमें किस तरीके से लेना है। ये कप है जिस कप से मैं लोगों को चाय देती हूँ, तो मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ 4 कप। आपके यहाँ जितने सदस्य हों और जितनी बार चाय पीते हों, या आपके यहाँ ये अंदाज़ा होगा कि आपके घर में दिन भर में 10 गेस्ट आते हैं या जो भी होता हो, मतलब कितनी चाय बनती है उसके हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। और आपको पानी, जितना आप पानी डालते हो चाय में, उसके हिसाब से आप पानी ले लीजिए। दोनों को मिक्स कर लीजिए। जैसे मैंने लिया 4 कप, मैंने दूध लिया 4 कप पानी लिया, क्योंकि मुझे बनाना पड़ता है 8 से 10 बार चाय। तो ये हो गया मेरा एक क्वांटिटी जो मैं लेती हूँ। और अब मैं ले रही हूँ शुगर। शुगर को हमें अभी नहीं डालना है। ये देखिए, अब मैंने शुगर ले लिया और अब हमें अभी शुगर को नहीं डालना है। अभी हमको उसको गर्म करना है थोड़ा सा। थोड़ा सा हम इसे गर्म करेंगे, उसके बाद में मैंने गैस जला ली है और दूध को रख दिया गर्म होने के लिए। ये जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे चीनी। और ये है अदरक, जो हमने एक बड़ा सा टुकड़ा ले लिया है और इसे हमने छील लिया है। तो अब दूध जो है थोड़ा सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं। मैंने 8 कप लिया है चाय, तो मैं इसमें चीनी डालूँगी 10 चम्मच। ये बिल्कुल परफेक्ट होता है इसकी क्वांटिटी, ना बहुत मीठा होता है ना एकदम हल्का होता है। ये जितना हम चाय पीना पसंद करते हैं एक नॉर्मल, उतना होता है। अब आपके यहाँ जैसा चम्मच आप इस्तेमाल करते हो, उस हिसाब से ले लीजिए। तो बस मेरा हो गया, मैंने 10 चम्मच डाल दिया। और मैं बना करके रखती हूँ मसाला, जो चाय मसाला होता है। अब हमारा दूध जो खोलने लगा है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ये चाय मसाला डाल दूंगी और इसे खोलने दूंगी। आज आप देखेंगे, सोचेंगे, अरे ये कितना सरल है और सच में ऐसा करके रखा जा सकता है। और मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ अदरक। तो लगभग हमारी चाय बनकर के तैयार हो चुकी है। और ये पूरे दिन के लिए ही नहीं, अगर आपका बच जाए तो आप दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हैं। और ना आपके बॉडी में ज़्यादा कैफीन जाएगी, ना आपके चाय का स्वाद खराब होगा। तो हमें इसको अच्छे से खौला देना है। चाय मेरी खोल चुकी है और हम इसको ऐसे रख देंगे और उसके बाद में हम इसे यूज करेंगे जब मर्जी हो चाय बनाने की तब। अब हमें क्या करना है, दूध को बढ़िया से खोला देना है। इस बात का ध्यान रखें, अदरक पड़ी हुई है, अगर आपका दूध अच्छा नहीं खोला होगा तो फट जाएगा। और अब जब आपको चाय बनानी हो, तो आप बस दूसरा बर्तन लीजिए, जितने कप बनाने हों उतना कप। जैसे कि मुझे 1 कप चाय बनानी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने 1 कप, ये देखिए, थोड़ा सा और दूध ले लेती हूँ जो चाय मैंने बना के रखी है। और बस अब इसमें चाय की पत्ती डालनी है, एक बॉल देना है और छान करके सर्व कर देना है। देखिए है ना कितना सरल चाय बनाना। बस ज़रा सा इसे खोलाना है, चाय का पत्ती का कलर आ जाए
और बस चाय हमारी तैयार है। और मैं इसी तरीके से, क्योंकि मैं सारा दिन चाय बनाती थी, मेरे यहाँ कोई टाइम नहीं है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है और कोई 12 बजे उठता है, और कब गेस्ट आते हैं ये भी नहीं पता होता। सारा दिन मुझे चाय बनाना पड़ता था, तो बस मैंने अभी बनाया अभी बनाया यही करती रहती थी। फिर मैंने ये सोल्यूशन निकाला, अब क्या है, मैं सुबह जब उठती हूँ तो मैं बस बना करके, मुझे इतना ध्यान रखना होता है कि मैं 10 से 12 कप के लिए चाय बना करके रख लेती हूँ। चाय की पत्ती नहीं डालती, बिल्कुल मेरी चाय परफेक्ट ओके रखी रहती है। कोई आया या जो उठा उसको मैंने चाय इस तरीके से बनाई और फटाफट दे दिया। 2 मिनट में हमारी चाय एकदम बढ़िया सी टेस्टी चाय तैयार हो जाती है, ना ये कि हाँ खौली नहीं है अच्छे से या उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छी चाय बनती है। एक बार आप भी इस तरीके से बनाइए और उसके बाद में हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करिए। तो मेरा ये ट्रिक कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।